भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध मुक्त प्रदेश का वादा करते हैं, लेकिन देश और राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आसिफा और उन्नाव के अपराधियों को फांसी दिलवाने के लिए जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा में प्रभात फेरी निकालकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी देकर पीड़ित के साथ न्याय दिए जाने की मांग की गई। नजम हसैन, उक्त अवसर पर प्रधान जुबैर प्रधान सानू प्रधान कौशर तनवीर उमर सोनू सहित भारी संख्या में समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। हिंदुस्तान की आवाज के लिए कुंडा से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। आज हम जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र के
टाउन एरिया में कुंडा में है। यहाँ पर कुछ समाज सेवी संगठन के लोगों ने उन्नाव में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और आसिफा के साथ जो घटना घटी, इसके लिए इन लोगों ने उसको इंसाफ दिलाने के लिए इन लोगों ने पूरा कुंडे में प्रभात फेरी निकाली और जिला तहसील कार्यालय में जाकर इन्होंने ज्ञापन दिया। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर इनका पूरा मामला क्या है। सर आपका नाम बताइए। समाज सेवक। और आपने जो ये आज प्रभात फेरी निकाली उसका क्या उद्देश्य है? हमको ये लेना है, देखो न हिंदू न मुसलमान, हमको अपराधी कोई भी अपराधी हो उसको फांसी लगना चाहिए। मुद्दा ये है पापा, जो आज 8 साल 6 साल 8 महीना ये गलत कर रहे हैं लोग। योगी की जैसे ही सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि जो भी अपराधी है उनको उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे। तो आपको क्या लगता है कि अपराधी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में अभी है या उन्होंने छोड़ दिया है? कहाँ छोड़े? मुझे अपराधी चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया है, जो सियासत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम सब हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान है भाई, ये गलत कर रहे हैं लोग, अब मुझे फांसी चाहिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब आप आगे आइए, आप आगे आइए, आपका नाम बताइए और आप किस मकसद से आए, आप किस गांव से आए वो बताइए। प्रधान शेखपुरा से। ये जो नाइंसाफी ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, हमारी माँ बहनें इस सरकार में कतई नहीं महफूज अपने आप को महसूस कर रही हैं। हमारी माँ बहनों से ज़्यादा तो हमारे इस एरिया में ज़्यादा गऊ माता जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो हम इस सरकार से खास करके चाहते हैं कि माँ बहनों की खास हिफाजत हो और लोगों में जो है भय और आतंक का जो पर्याय बना हुआ है उस पर कंट्रोलिंग की सरकार करे, हमारी यही मांगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज से चार साल पहले उन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और विकास होगा, तो आप लोगों का क्या कहना है कि अच्छे दिन आ गए हैं? ना तो कोई अच्छे दिन आए हैं ना कोई विकास हुआ है। आप बताइए, पूर्व सरकार में जो विकास हुआ उसी का फीता काट रहे हैं लोग। आप बताइए, हमारे कुछ नहीं हुआ है, हम बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जावेद अहमद मंसूरी, चिकन मोहल्ला। अब ये जो हो रहा है अत्याचार, योगी ने क्या कहा था कि भ्रष्ट का क्या खत्म करेंगे, मोदी ने जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, गरीब इंसान रोज कुआं खोद रहा है पानी पी रहा था, अब कुआं भी नहीं है वो डूब गया है, और कहाँ से दिन अच्छे आएंगे? ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, नोटबंदी के उससे और फिर ले बोलो ना आपका चालू है। नोटबंदी की वजह से मारे कुछ लोगों को, फिर GST लगाए, लोग कहाँ से जिएंगे कहाँ से होएंगे? अब योगी बोले थे कि अब सब गुंडे बाहर चले जाए या गुंडागर्दी छोड़ दे या बाहर चले जाए, खुद ही भी बाहर आ गए। आपकी बात हो गई। आप पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद उमर सिद्दीकी है, हम कुंडा में सब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जो कठुआ में रेप कांड हुआ, जो ये सासाराम में हुआ, जो बिहार में हुई, जो लगातार रेप कांड चले आ रहे हैं, जो उन्नाव में चले आ रहे हैं, जिनमें सरकार का समर्थन भी है, छुपा हुआ समर्थन भी है, उसके खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। और जो हम चाहते हैं कि ये भाईचारा बना रहे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लोग रेप के समर्थन में उतरे हों, लोग धर्म के नाम पर रेप के समर्थन में उतरे हों और क्या कहते हैं सरकारें उतरी हों। ये सरकारों को सोचना चाहिए कि ये उनकी सरकारें तो आएंगी चली जाएंगी, और ये जो नफरत के पीछे बोली जा रही हैं ये हमेशा बनी रहेंगी। तो वो गद्दी के लिए, शासन के लिए उनको अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। वो नफरत फैला रहे हैं, वो शासन के लिए गद्दी के लिए नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत बनी रह जाएगी और लोग उनका शासन बना रह जाएगा। हम सभी भाइयों से, सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो सरकारों के बहकावे में ना आए, और हम सब एक भाई, हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, बहन किसी की भी हो, बेटी किसी भी हो, हम सब की है। और कल हमारा घर जलेगा तो आपका भी घर जलेगा, लगेंगी आग तो कई आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो सबको समझना चाहिए ये बात, जिनके मुंह खून लग जाता है, जब सत्ता के हाथ में खून लग जाता है, जब उनके मुंह
खून से रंगीन हो जाते हैं तो वो सबके कत्ल करते हैं। जब उनको गद्दी पे बैठने की आदत हो जाएगी तो वो अपना भी करेंगे। अब उन्नाव में जो हो रहा है, उन्नाव में जो हो रहा है क्या वो मुस्लिम धर्म के हैं? सब धर्म के शामिल हो रहे हैं। बिहार में जो रेप कांड हो रहा है उसमें सब शामिल है, वो सब के साथ है, जिनके हाथों जिनके मुंह में सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।